साथियों, आप सबको बड़े दुखी मन से ये सूचना दी जाती है कि 21 तारीख को शहीद हुए हमारे नौजवान शुभकर्ण का आज अंतिम संस्कार उन्हीं के गांव बल्लो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर 3 बजे होगा। उनका पार्थिव शरीर लेकर हम पटियाला से अब इस समय खनौरी बॉर्डर की ओर लेकर जा रहे हैं। वहां जाकर सभी को उनके दर्शन करवाए जाएंगे, लोग उनको श्रद्धा अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां से चलेंगे और 3 बजे तक हम बरनाला होते हुए तपा होते हुए उनके गांव बल्लो पहुंचेंगे। और आप सबको मेरा निवेदन है कि जो जो भी साथी, जो भी भाई उनके अंतिम संस्कार में पहुंचना चाहें, उन सबको हमारा निमंत्रण है कि वो समय पे 3 बजे वहां उन्हीं के गांव बल्लो के अंदर पहुंचने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सबको बड़े दुखी मन से ये सूचना दी जाती है कि 21 तारीख को शहीद हुए हमारे नौजवान शुभकर्ण का आज अंतिम संस्कार उन्हीं के गांव बल्लो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर 3 बजे होगा। उनका पार्थिव शरीर लेकर हम पटियाला से अब इस समय खनौरी बॉर्डर की ओर लेकर जा रहे हैं। वहां जाकर सभी को उनके दर्शन करवाए जाएंगे, लोग उनको श्रद्धा अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां से चलेंगे और 3 बजे तक हम बरनाला होते हुए तपा होते हुए उनके गांव बल्लो पहुंचेंगे। और आप सबको मेरा निवेदन है कि जो जो भी साथी, जो भी भाई उनके अंतिम संस्कार में पहुंचना चाहें, उन सबको हमारा निमंत्रण है कि वो समय पे 3 बजे वहां उन्हीं के गांव बल्लो के अंदर पहुंचने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सबको बड़े दुखी मन से ये सूचना दी जाती है कि 21 तारीख को शहीद हुए हमारे नौजवान शुभकर्ण का आज अंतिम संस्कार उन्हीं के गांव बल्लो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर 3 बजे होगा। उनका पार्थिव शरीर लेकर हम पटियाला से अब इस समय खनौरी बॉर्डर की ओर लेकर जा रहे हैं। वहां जाकर सभी को उनके दर्शन करवाए जाएंगे, लोग उनको श्रद्धा अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां से चलेंगे और 3 बजे तक हम बरनाला होते हुए तपा होते हुए उनके गांव बल्लो पहुंचेंगे। और आप सबको मेरा निवेदन है कि जो जो भी साथी, जो भी भाई उनके अंतिम संस्कार में पहुंचना चाहें, उन सबको हमारा निमंत्रण है कि वो समय पे 3 बजे वहां उन्हीं के गांव बल्लो के अंदर पहुंचने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।